सो ये है BS7 का बजाज ऑटो रिक्शा और इसके अंदर यहाँ है म्यूजिक सिस्टम। सो आपके पास अगर BS7 की गाड़ी है और आप चाहे म्यूजिक सिस्टम लगाना चाह रहे, छोटा बड़ा पतला मोटा कोई भी हो आपके पास, चाहे नया पुराना कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो, आप चाहकर भी नहीं लगा सकते, उसके लिए एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है या प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो देखो BS3, 4 और BS6 के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, पर ये वीडियो स्पेशली BS7 की गाड़ियों के लिए है। उसके लिए आपको क्या है, एक ऐसा वाला अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहे, एक लोहे का यानी एंगलर का एक पट्टी बनाना पड़ता, जैसा अभी मैं वेल्डिंग करा के लाया अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहे, ऐसा टी मॉडल का, जैसा ABCD का जो टी होता ना, ऐसा टी मॉडल का एक वेल्डिंग कराना है। तो सबसे पहले इसके मेजरमेंट की अब बात करें तो देखो मैं आपको एक स्केल से इसका लेंथ बता देता पहले। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें ना, तो तकरीबन अभी जो मेरे पास ये पट्टी है ये है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब लंबा हो गया। तो आपको क्या करना है, 4.5 या 5 इंच रखना है, और चौड़ाई में क्या है देखो 3.5 इंच या फिर 4 इंच भी आप रख सकते हैं। तो ये लेंथ याद रख लो, बिल्कुल ऐसा बना लेना। और इसमें देखो यहाँ पर ये एरो के पास देखो 10 नंबर या 12 नंबर का होल कर लो, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक दो होल कर लेना, मतलब 3 होल करके बस ऐसा टी टाइप का एक वेल्डिंग कर लेना है। बहुत आसान है, 50-60 रुपये में आपको ये वेल्डिंग कोई भी करके दे देता वेल्डिंग शॉप वाला। और उसके बाद आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो, पहले उसके ऊपर क्या है ऐसे रख लो, ये जो अभी वेल्डिंग करा के लाया पट्टी, रखने के बाद इसको मार्कर से या पेन पेंसिल कोई भी चीज़ जिससे आपको याद रहे ऐसा मार्कर निशानदेही कर लेना कि आपको यहाँ पर होल्ड करना है, मतलब ये जो म्यूजिक सिस्टम है या डेक बोलते हैं या जो भी हो टेप रिकॉर्ड या रेडियो, तो इसको ऐसे होल्ड करने के लिए मार्क कर लेना है। और अब हम इसको खोलेंगे, मतलब पूरा नहीं, बस इसके ऊपर का जो कैप है यानी कवर बोल सकते हैं या ढक्कन भी बोल सकते हैं या कैप भी बोल सकते हैं, तो इसको फटाफट खोल लेंगे। 4 स्क्रू रहते क्या, किसी किसी में 3 या किसी किसी में 2 भी रहते। तो सबसे पहले इसका जो कैप है इसको खोल लो। खोलने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत आसानी से थोड़ा सा ध्यान से खोल लेना है। अंदर का कोई भी वायरिंग कुछ भी डैशबोर्ड वगैरह छेड़छाड़ करना नहीं है। अब ये जो हम लोग मार्क करे थे बस इस मार्क के ऊपर होल कर लो अच्छे से, 2 होल करना है, 10 नंबर या 8 नंबर या 13 नंबर के होल, मतलब बोल्ट नट बोल्ट आपके पास जो भी नट बोल्ट आपके पास है वो सही। देखो अभी मेरे पास 10 नंबर या 8 नंबर के बोल्ट लगाए जितने होल हम लोग कर लिए। फिर उसके बाद 1 इंच या 2 इंच के नट बोल्ट ले लो, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बस ऐसे ही 2 बोल्ट लगा लो। लगाने के बाद ये जो टिन है या क्या पे उसको पलटाओ, पलटाने के बाद अभी ये जो वेल्डिंग करके हम लोग पट्टी ये जुगाड़ जो भी करे इसको देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल बस ऐसे ही लगा दो, और ये जो नट है नट या बोल्ट उसको फुल टाइट कर दो। करने के बाद आपका जो जुगाड़ है वो 100% कंप्लीट हो गया। अब आप इसको अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। उससे पहले ये जो कैप जैसा खोले थे डेक का या म्यूजिक सिस्टम का कैप वैसे ही एज इट इज़ फिट कर दो। फिट करने के बाद अब ये जो म्यूज़िक सिस्टम है अब ये रेडी है आपकी गाड़ी में लगाने के लिए, चाहे आपकी बजाज अल्फा कोई भी गाड़ी हो, BS7 की गाड़ी के लिए, खास करके BS7 या BS6 Phase 2 की गाड़ी, बस सेम प्रोसेस है आपके लिए। बस ये पट्टी आप ऐसा बना लेना, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये वीडियो को डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो या फिर आपको जैसा कंफर्टेबल रहा, इस पट्टी का मेजरमेंट याद रख लो। बस अब ये रेडी है हमारी गाड़ी में, और ये गाड़ी है BS7, ये बजाज का नया लोगो या रीब्रांडिंग भी बोल सकते हैं, ये बाहर से बता रहा मैं आपको। और अगर हम अंदर की बात करें यानी कैबिन से देखेंगे तो सबसे पहले डैशबोर्ड देखो आपको समझ में आ जाता है ये है BS7 या BS6 Phase 2 का डैशबोर्ड। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर है इसका हैंडल, और ये हैंडल में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है नई गाड़ियों में। और यहाँ पर देखो हॉर्न, हेडलाइट और सेल्फ, और उसके बिल्कुल नीचे हम लोग यहाँ लगाएंगे हमारा म्यूज़िक सिस्टम। पर आप डायरेक्ट यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा सकते, यहाँ देखो फ्यूज़ बॉक्स है, पहले की गाड़ियों में यहाँ नहीं होते थे। तो आप क्या करना, आपको ये जो 8 नंबर का नट है इसको पहले खोलना, ये वाला, ये जो 8 नंबर का नट है ना इसको क्या है बिट, जो 8 नंबर का जो बिट होता है ना इससे आपको खोल लेना है। पहले ये जो नट है इसको खोलो, और ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसको निकाल के ऐसे घुमा दो अभी जैसा स्क्रीन पे देखे। ऐसा घुमाने के बाद अभी हम लोग ये जो म्यूज़िक सिस्टम को जो पट्टी हम लोग अल्ट्रेशन यानी जुगाड़ करके लेके आए वो पट्टी को देखो ऐसे अभी ऐसे अटका देना अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे ना, बस इसको ऐसे ऊपर ले जाके बस इसमें अटका दो, मतलब इसमें होल्ड कर दो या हुक कर दो। करने के बाद ये फ्यूज़ बॉक्स को जैसे खोले थे बस वापस से फ्यूज़ बॉक्स को ऐसे ही लगा दो। इसमें देखो वायरिंग को हम कट नहीं कर रहे, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, बस यहाँ पर एक नट को निकाले, बस वहाँ पर ये पट्टी जो हमारी थी उसको ऐड कर दिए। और वापस से आप क्या करेंगे, ये जो नट था 8 नंबर का
इसको जैसा खोले थे वापस से वैसा ही फिट कर दो। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान और इससे अच्छा और सस्ता तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। अभी देखो ब्रेक पैंडल से तकरीबन एक फीट हाइट जितना आपको ये म्यूज़िक सिस्टम हो गया। अगर आप इसको और हाइट पे लगाना चाह रहे तो ये जो पट्टी है इसका साइज़ कम कर देना, 3, 3.5 या 4 इंच रख लेना और ये हाइट हो जाता। तो हमारे केस में हमको 5 इंच रखना था तो थोड़ा सा 5.5 इंच हो गया, इसलिए ये ऐसा दिख रहा। तो अगर आपको और हाइट करना है तो पट्टी का साइज़ कम कर दो। उसके बिल्कुल पीछे यानी बगल में देखो ये जो रेड कलर का कपलर है, ये आपको कंपनी वाले क्या है स्टूरियो नाम से आपको ये वायरिंग देते, तो आपको अलग से कोई वायरिंग को काटना या छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वायरिंग है ना ये ऑलरेडी कंपनी वाले इसीलिए देते कि आप यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगाए। उसका जो बटन है देखो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो बटन है देखो ये सेंटर वाला, ये सेंटर वाला जो बटन है ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए ही है। उसके लिए क्या करना, आपको ऐसा वाला एक वायरिंग कपलर ले लेना है। किसी भी इलेक्ट्रिशियन या बाइक मैकेनिक के दुकानों में आपको पुरानी वायरिंग में ये मिल जाता है, काट लेना या फिर किसी मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन से पूछ के ले लो या ख़रीद लो। ख़रीदने के बाद अब ये जो रेड कलर का कपलर है आपको पहचानने में भी बहुत आसानी होती। रेड कलर का कपलर सिर्फ एक ही रहता गाड़ी में, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहता। बस उस कपलर में ये कपलर को ऐड कर दो, करने के बाद आपका जो कनेक्शन है बस 100% हो गया। अब ये जो दो वायर है उसको बाहर ले लो, मतलब यही प्लस और माइनस, मतलब बैटरी की सप्लाई या डेक का जो कनेक्शन है मतलब म्यूज़िक सिस्टम का जो भी कनेक्शन है यही है। बस अब इसमें क्या करना है आपको प्लस और माइनस को देख लेना है, मतलब पहचान लेना। पहचानने के बाद अब इसमें ये जो डेक का म्यूज़िक सिस्टम, ये जो म्यूज़िक सिस्टम का जो प्लस वायर है प्लस को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद ये जो माइनस वायर है माइनस वायर को जोड़ देंगे और यहाँ पर देखो डिस्प्ले ऑन हो गया। फिर उसके बाद अच्छे से इसको टेप लगा देंगे ताकि कभी फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट ना हो और वायरिंग जले ना। उसके बाद ये दोनों स्पीकर के वायर को भी हम लोग अच्छे से लगा दिए। अब उसके बाद पहले एक बार हल्का सा डेमो लगा के चेक कर लेंगे कि ये स्पीकर चल रहे या नहीं। अभी गाना तो इसमें हम प्ले नहीं करेंगे, क्यों बोलते यूट्यूब पर कॉपीराइट आता, तो उसके लिए देखो पहले मैं एक बार आपको यहीं से डेमो बता देता। थोड़ा सा साउंड बढ़ा लेंगे और ये मोड जब चेंज करें तो देखो ये तो मूड चेंज हो रहे। और ये जो म्यूज़िक सिस्टम का बटन है ना, ये बटन ऑलरेडी आपको लगा हुआ रहता है ये बोर्ड के अंदर, पर इसके पीछे के जो वायर है ना आमतौर पे गाड़ियों में लगे हुए नहीं रहते। बस आपको क्या करना है ये बटन को पहले निकालना है। ये जो पीछे के दो वायर है ना आमतौर पर गाड़ी के साथ लगे हुए नहीं रहते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वायर अगर लगे हुए नहीं है तो इसको लगा लो। लगाने के बाद और ये बटन में यहाँ पर देखो ये जो रेड का व्हाइट कलर का जो डार्क है यानी निशान है ना, इसको नीचे की तरफ रखना है, मतलब नीचे रखना है और लगा के वापस से बटन को अंदर ढकेल दो। बस अब ये जो आपका बटन है रेडी टू यूज़ हो गया और म्यूज़िक सिस्टम भी आपका ऑन हो गया। अभी एक बार डेमो देख लेंगे। देखो एकदम प्यारा दिख रहा और ये बटन भी देखो, हम क्या करें कोई भी वायरिंग को छेड़े नहीं, काटे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करें। बस वायरिंग जो शोरूम से आई जो कंपनी वाले गाइड कर रहे कि भाई आप यहाँ से वायरिंग को इस्तेमाल करो। और नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले इसके पार्ट टू में यहाँ पर स्पीकर लगा के बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा इसीलिए क्या है इस वीडियो में नहीं बता रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें यहाँ पर स्पीकर कैसे लगाते। तो ये वीडियो अच्छा दिखा तो इस वीडियो को लाइक करना और ये म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर अगर आपको ख़रीदना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।